Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum dear students. Aaj hamare paas hai Fbise 9 class new math 2024 aur isme exercise number 4.1 hai. Kehte hain factorize the following polynomials aur aaj hum karte hain question number 6. Question number 6 hamare paas hai x square minus 1 into y plus 1 माइनस y प्लस 3 इनटू x स्क्वायर प्लस 1. तो आइए हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहले लेफ्ट साइड के दोनों को मल्टीप्लाई देंगे, तो ये होगा x स्क्वायर y और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन होगा. फिर माइनस, फिर लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो दो हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री होगा. अब हम क्या करेंगे, इस साइड को ए सी टी लिखेंगे और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई देंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा और ये माइनस माइनस प्लस वाई होगा और ये माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस थ्री होगा. अब यहाँ से देखें सेम जो है टर्म्स वो कट जाएंगे, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई के साथ कट जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई के साथ कट जाएगा. तो हमारे पास जो सेम एक्सपोनेंट में यहाँ पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा. और यहाँ पर हमारे पास माइनस वन है और यहाँ पर प्लस थ्री है, तो ये हमारे पास प्लस टू होगा. अगर हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना चाहें तो यहाँ से हम माइनस टू को कामन निकालेंगे, तो ये हमारे पास माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा.